नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि धनु राशि वाले जातकों के लिए 2023 का आखिरी महीना दिसंबर कैसा रहेगा। फलादेश शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। इस महीने दो ऐसे ग्रह हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाले हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये दोनों ग्रह चार केंद्रों के स्वामी के रूप में आपकी कुंडली में स्थित होने जा रहे हैं। दिसंबर माह में आपके कर्मेश्वर बुध आप पर बहुत मेहरबान रहेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में है और इस महीने वे आपको धन संपत्ति, वैवाहिक जीवन तथा रोजगार के क्षेत्र में अपार लाभ प्रदान करेंगे। इसके अलावा आपके लाभेश गुरु भी आपको भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे। आइए आज हम इस महीने में आप पर होने वाली परिपूर्णता की चर्चा करें। दिसंबर में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? इस महीने में आपके वित्त, शिक्षा, यात्रा, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और कार्यक्षेत्र की स्थिति कैसी होगी? मैं आपको इस बारे में बताने आया हूं ताकि आप भविष्य की योजना बना सकें और गलतियों से बच सकें। कार्यक्रम के अंत में मैं आपको एक उपयोगी सलाह भी दूंगा। आइए दिसंबर महीने की स्थितियों पर चर्चा करते हैं। आपके स्वास्थ्य की स्थिति क्या बता रही है? आपके लग्न के स्वामी देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में विराजमान हैं और राहु से मुक्ति पा चुके हैं। यह एक सुखद संकेत है कि आपकी काया अब निरोगी हो गई है। दिसंबर माह में देवगुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आपके लिए एक सुंदर गतिविधि का संकेत मिल रहा है। आपका स्वास्थ्य दृष्टिकोण बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। दूसरी ओर आपकी धन स्थिति कैसी है? आपके धन भाव के स्वामी शनि महाराज पराक्रम भाव में स्थित हैं। यह संकेत क्या है कि धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए अनुकूल होंगी, लेकिन कब? बहुत मेहनत करने के बाद जब आप धन से संबंधित वित्तीय दृष्टिकोण को मजबूत करेंगे और अपनी योजनाओं के आधार पर काम करेंगे, तब शनि महाराज अपनी स्वराशि में स्थित होकर आपका भाग्य बन जाएंगे। धन से संबंधित रुके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए यदि हम आपके कर्म क्षेत्र की चर्चा करें तो कर्मेश्वर बुध आपके केंद्र में विराजमान है। यह बुध की कृपा से कम नहीं है, जहां आप अपने व्यक्तित्व, बुद्धि और चतुराई के बल पर कर्म क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बनाएंगे। दिसंबर माह में बुध महाराज आपको आशीर्वाद देंगे, चाहे आप व्यवसाय कर रहे हों या नौकरी। यदि आपके पास नौकरी नहीं है तो भी बुध महाराज इस महीने में नई नौकरी के अवसर प्रदान करेंगे। भाग्य की दृष्टि से दिसंबर में आपके लिए सूर्य महाराज का विशेष आशीर्वाद है। 16 दिसंबर तक विदेश में रहने वाले या विदेश में काम करने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए यह बहुत ही अनुकूल समय है। 16 दिसंबर के बाद जब सूर्य आपके लग्न में प्रवेश करेंगे, यह आपके लिए बहुत ही अनुकूल समय का संकेत है। आपके विद्या भाव के स्वामी मंगल महाराज हैं और विद्या भाव में गुरु महाराज भी विराजमान हैं। मंगल जाकर विद्या भाव में विराजे हुए हैं। आपके लग्न में स्वराशि अस्त होने से विपरीत राजयोग बन रहा है। 27 दिसंबर तक मंगल देव आपके लग्न में ही रहेंगे। स्वराशिस्थ होने के कारण मंगल महाराज उन विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल फल देंगे जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, अपने जन्म स्थान से दूर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। यह अवसर मंगल महाराज आपके लिए तैयार कर रहे हैं। यहां बैठकर मंगल महाराज विद्यार्थियों के लिए अच्छे योग बना रहे हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो दाम्पत्य सुख के स्वामी आपकी कुंडली में बुध देव हैं, जो आपके लग्न में विराजमान हैं। यह स्थिति आपके लिए मधुर संबंध बनाएगी। दोनों की सलाह से कार्य करने पर श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। बुध की कृपा से आपको एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताने का योग भी मिलेगा। इस प्रकार दाम्पत्य जीवन की स्थिति आपके लिए बहुत खास बनी हुई है। यदि हम प्रेम संबंधों की चर्चा करते हैं तो प्रेम संबंध के स्थान पर देव गुरु बृहस्पति विराजमान हैं। मंगल महाराज स्वराशि में स्थित होकर बैठे हुए हैं। आप अपने साथी के साथ कुछ शब्दों को अच्छे से संतुलित करते हैं। अपने साथी के साथ अच्छा खासा समय बिताने का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। एक दूसरे को समझें।
यदि इस प्रकार का आशीर्वाद आपके लिए बनकर आ रहा है तो दिसंबर में आपके लिए साथी के साथ संबंध अच्छे रहने वाले हैं। अब जानिए उस ब्रह्म के बारे में जिसका पालन करके आप बन सकते हैं। मैंने आपको बताया कि दिसंबर के महीने को यादगार बनाने के लिए दो केंद्रस्थ ग्रहों की अच्छी स्थिति जरूरी है। यदि बुध और गुरु आपके पक्ष में हैं, तो वे आपको भरपूर आशीर्वाद देंगे और आपकी जीत सुनिश्चित होगी। ध्यान केंद्रित करने और शांति प्राप्त करने के लिए ओम का जाप करें, गणेश चालीसा का पाठ करके या सुनकर भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करें। व्यावसायिक जीवन, दाम्पत्य जीवन और साझेदारियों में सफलता के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय और विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। गुरु और बृहस्पति का आशीर्वाद लें जो जीवन की समस्याओं को हल करने में मदद करेगा। मैंने जो जानकारी दी है, उम्मीद है वह आपके लिए उपयोगी होगी। कल फिर मिलेंगे, तब तक का अलविदा, नमस्कार।